अस्सलामुअलैकुम, नूर की चंदेली में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। इसके लिए हमने मटन 1.5 किलो लिया है और प्याज लिया है, ये 4 बड़े बड़े काट के, और ये 2 बड़े बड़े प्याज बिरयानी के लिए दिया है। आइए है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, साजीरा है, जीरा है, और लौंग है, कबाब चीनिया है, और ये तेज पत्ता। चले चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके दिया है और कुकर चढ़ा लिया मैंने। अब इसमें डालेंगे रिफाइन, 4 चम्मच डाल दिया है बड़े चम्मच से। सारे प्याज को खोल लिया मैंने, तेल गरम हो गया। अब इसमें डाल देंगे, इसका बिरयानी करना है। बिरयानी हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। अब देखिए ये डाल देंगे सारे गरम मसाला है, तेज पत्ता है। डाल देंगे, इसको ज्यादा लाल नहीं करेंगे, इसको बस पिंकी पिंकी हल्का। डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के भून देंगे। 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन भून चुका है, देखिए इसमें गोश्त डाल देंगे। चार मिनट भूनेंगे इसको गोश्त को। देखिए हमारे मटन का कलर चेंज हो गया है, भून चुका है अच्छा से। और इसमें डालेंगे मसाला, बनाइए ना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, तीखे वाली है इसलिए कम ही डालेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर,
चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, सारे मसाले को अच्छे से चला के मिक्स कर लूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, दो चम्मच डाल देंगे, चावल में भी पड़ेगा दो चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट का है कटोरी, ये डाल देंगे मिला के। आपके कुकर में अगर जल्दी जल्दी सीटी आती हो तो 10 सीटी भी लगा सकते हैं। कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए कितना अच्छा। इसमें डाल देंगे टमाटर, फ्राई करेंगे इसमें। डाल देंगे दही 250 ग्राम में, मसाला है दो चम्मच डाल देंगे, घर का बना हुआ है बिरयानी मसाला। थोड़ा डाल देंगे प्याज, आधा गार्निशन के लिए रख लेंगे। ये एक नींबू का रस है वो डाल देंगे। अब ढक ढक के भूनेंगे इसको और 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। हमारा मटन तैयार हो चुका है, इसमें डाल देंगे 5-6 हरी मिर्ची है जिससे कट लगा लिया, ये डाल देंगे। धनिया डाल देंगे आधा गार्निशन के लिए। इसको रख देते हैं।
तैयार हो चुका है। चावल उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया इसमें, डाल देंगे एक बड़ी इलायची है, दो दालचीनी का टुकड़ा है, दो लौंग है, शाही जीरा है, डाल देंगे इसमें, डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा, इससे चावल खिला खिला बनेगा। एक किलो सेला राइस है, इसको एक डेढ़ घंटा हो गया है पानी में डाल के छोड़ दिए थे ऊपर तक पानी, अभी लाए हैं इसको धो के ऊपर का पानी निकाल के फिर लेके आए हैं। देखिए पानी में उबाल आ गया है, डाल देंगे इसमें चावल, चावल डाल के चला देने से तुरंत नीचे बैठता नहीं है। डाल देंगे नमक दो तीन चम्मच, तीन चम्मच डाल देंगे उसमें, गोश्त में भी डाला हुआ है, देखिए चावल हो चुका है। अब इसको पानी से निकाल लेते हैं, चावल गलाना है, बाकी भाप में दम नहीं है, गल जाएगा, इसलिए अब इसको पानी में से निकाल देंगे, गैस बंद कर देंगे। चावल का पानी हमने निकाल लिया है और इसको तैयार बैठाना है। डाल देंगे बिरयानी जो किया था रंग है, चल रहा है।
चावल में डालने वाला ये डाल दूंगा। डालना भूल गए थे, याद आया डाल देंगे। दो चम्मच डाल देंगे। वापिस ऑयल लगा देंगे। गैस ऑन कर दिए हैं और तावा चढ़ा के उसी पर इसको भगोना को रख दिए हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसी पर दम पर रहेगा। कम फ्लेम पर रखे हैं, मीडियम पे, और 10 से 15 मिनट के बाद फिर आपको खोल के दिखाते हैं। गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट रहने देंगे। चलिए देखते हैं खोल के कैसा बना। चलिए अब हम थोड़ा टेस्ट करवा देते हैं बच्चे से। आपके बता कैसा स्वाद है। बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा आ रहा है। चावल एकदम पके हुए हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। और गोश्त को देख लेता हूँ कैसा बना हुआ है। पूरा पूरा गला हुआ है, जिसके कारण ना उसकी जो सॉफ्टनेस है वो मुंह के अंदर आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्लेवर कुल मिला के कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारा एक फेवरेट भी है, अब बनाए भी बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। गोश्त देखे पूरे बाइट में, पूरा पका हुआ है। देखिए एक बार हमारे तरीके से आप जरूर ट्राई करें, और बहुत अच्छा जायकेदार बन रहा है और सबको घर में बहुत पसंद आएगा और बहुत तारीफ मिलेगी आपको। और जरूर जरूर ट्राई करें आप, पसंद आए दोस्तों में फैमिली में शेयर करें और कमेंट भी कीजिए कैसा बना है। दोस्तों फैमिली में आप शेयर कीजिए और नए हैं अगर हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।